रामलीला मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा, प्रत्याशी रिति पाठक को जिताने के लिए की अपील। अपने निर्धारित समय से डेढ़ घंटा विलंब पहुंचे श्री सिंह रामलीला मैदान में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते केंद्र सरकार द्वारा कराए गए रोड, सड़क, बिजली, पानी, गरीबों के उद्धार में कराए कार्यों का क्रमवार ब्यौरा दिया। इसके पूर्व पार्टी प्रत्याशी रिति पाठक जिला अध्यक्ष कांत देव सिंह एवं विधायक रामलल्लू वैश्य व सुभाष वर्मा विधायक ने भी संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष बताते हुए पुनः वोट देने की अपील की। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि हमारी सरकार बन गई तो मैं राष्ट्रद्रोह का कानून समाप्त करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश करे, भारत को कमजोर करने की कोशिश करे, उस राष्ट्रद्रोही के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? ये कहते हैं बंद करो, हम कानून ही समाप्त करेंगे। अरे हमारा बस चले तो राष्ट्रद्रोह के कानून को और कड़ा करेंगे ताकि राष्ट्रद्रोह करने वालों की रूह कांप जाए। भारत ऐसा देश रहा है जो दुनिया के किसी देश की जमीन पर कब्जा नहीं किया, मर्यादाओं का हमने पालन किया, लेकिन हमारी नीत साफ है, दुनिया में हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी नीत पूरी तरह से साफ। देख लिया पुलवामा में आपने क्या हुआ, देखा पुलवामा में क्या हुआ। लोग समझते थे कि 42 हमारे जवान मार दिए गए, हम कोई हाथ पर हाथ धरे बैठे, फैसला हुआ बहन भाई हमारे एयरफोर्स के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकाने का सफाया कर दिया। पूछा जाता है कांग्रेस के लोग पूछते हैं, बताइए कितने को मारा। मैंने भाइयों दो चार रहे हो तो हम बता देते, इतने सारे से कैसे बता दे कितने को मारा। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, बी लाशें नहीं गिना करते, जो गिद्ध होते हैं वह लाशें गिना करते। सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर खवालिया निशान लगाने की कोशिश मत करो मेरे कांग्रेस के दोस्तों, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, देश सुरक्षित है तभी देश आगे बढ़ रहा है। विकास की, प्रगति की पहली शर्त होती है सुरक्षा। और आज राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हैं। देखिए मैं ये किसी के बारे में नहीं कह रहा,